तो भाई उस दिन जो हाउस टूर वाला वीडियो बनाया था उसका खर्चा जो सेकंड पार्ट है वो मैंने डाला नहीं था, तो आज डाल रहा हूँ। बीच में 3-4 दिन टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपको मोटा मोटा पैरामीटर बता देता हूँ कितनी साइज़ में पूरा घर जो है वो है। तो 32x36 में तो जो हॉल वगैरह कमरे कमरे वो हैं 32x36 में, तो और जो आगे चौकी है जो बरामदा पोर्च वगैरह है वो 7 फीट एक्स्ट्रा है, 7-8 फीट एक्स्ट्रा है। तो लगभग ये 32x43 इतना कुछ हो जाता है, 32x43 में मानो। तो अब आपको खर्चा बता देता हूँ मोटा मोटा सारा। तो सबसे पहले तो जो मकान की हाइट है, जो मतलब फर्श है, फर्श से नीचे पिलर वगैरह हैं वो 11 फुट की हाइट पर हैं, 11 फुट नीचे है। मतलब नींव जो है वो तकरीबन 10-10.5 फुट है, और 11 फुट नीचे वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसकी हाइट जो छत की हाइट है वो 11.25 फुट है। और ऊपर वाला जो ऊपर जो कमरा है जो जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ उसकी जो हाइट है वो है 10.5 फुट। तो इस हिसाब से जो ईंटें हमारी लगी थी, ईंट लगी थी 4,03,000 के समथिंग की, 4,03,000-5,000 ऐसे कुछ। किराया वगैरह, लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ हरियाणा से हमने मंगवाई थी। और मोर भट्टा जो है उसकी ईंटें लगी थी। और सेकंड जो लोहा है, जो सरी अपने लेंटर में छज्जे में जहाँ भी लोहा सरिया जो लगा है वो लगा था 2,44,000 का। और जो कंक्रीट है वो 50,300 की, सीमेंट जो है वो 3,21,000 की सीमेंट लगी थी, तकरीबन 900 कट्टे लगे थे सीमेंट के। और क्रेशर जो है वो 1,39,000 की। और बिजली पानी जो प्लम्बर वाला है वो हमसे ले गया था 2,25,000, जिसमें बिजली का सामान, पानी का सामान और फिटिंग सारा सारा कुछ था 2,25,000 में। और चौखट जो हैं, जो दरवाजे और खिड़कियां जो हैं उनकी जो चौखटें हैं वो लगी थी 61,000 की, जोधपुरी पत्थर है उसकी। और फर्श है वो 3,97,000 का, मार्बल हमने लगवाया था, आपको उस वीडियो में दिखाया था, अभी और दिखा देता हूँ। ये मार्बल जो है वो 62-63 के समथिंग पड़ा था, 62-63 रुपये स्क्वायर फीट के। तो ये लगा था मतलब लेबर चार्ज वगैरह सारा मिला के 3,97,900 रुपये। और फर्नीचर जो है, गेट वगैरह, जो अलमारी मैंने दोनों कमरों में दिखाई थी वो अलमारी, किचन वगैरह सारा सामान सामून सब करके 5,31,400 रुपये का फर्नीचर लगा था। मतलब जो रोइड के गेट और प्लाईवुड सनमाई का सारा कुछ उसमें आ गया फर्नीचर से रिलेटेड, तो वो लगा था 5,31,400 का। और जो ठेकेदार है जिसको हमने मकान चिनाई का ठेका दिया था, ठेकेदार उसके लेबर चार्ज वगैरह उसको मतलब 180 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया था, तो वो 5,16,000 का उसको दिया था। मतलब चिनाई वाले को 5,16,000, 3 मंजिल सारा, मतलब 4 दीवारी बाहर की सब कुछ। और जो स्टील है मतलब ग्रिल, जो रेलिंग आपको दिखाई दे, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, जो ये बाहर की जो सबकी रेलिंग वगैरह है और जो सीढ़ियों में लगी थी वो जो स्टील है वो 1,87,000 का हुआ था। और 1,87,000 में जो अपने टेरिस का जो प्रिंटेड ग्लास मैंने दिखाया था बड़ी साइज़ का वो शामिल है। उसके अलग से मैं बता देता हूँ आपको, उसके लगे थे 19,520 के समथिंग पड़ा था वो प्रिंटेड समेत, शायद 380 रुपये स्क्वायर फुट में एक ऐसे कुछ था वो। तो चिना स्टील ग्रिल हो गई 1,87,000। और सीढ़ी वजाड़ी वो नेसेसरी नहीं है, वो अलग से है, जो लोहे की जो नीचे मैंने बाड़ी के चारों तरफ दो साइड जो लोहे की जाली प्लस जो लोहे वाली सीढ़ी मैंने आपको दिखाई थी वो पड़ी थी 36,000 की। और 89,000 अदर खर्चा हो गया, 89,000-90,000 के आसपास जो अदर जो छूट फूट हमने लिखा नहीं, या सामान वगैरह का लेबर चार्ज वगैरह जो अलग से मजदूरी पे कुछ करवाया था चार दीवारी में, या जो भी समझो 89,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। और पेंट पीओपी है, पेंट प्लस जो पीओपी मैंने दिखाई थी 4 कमरों में प्लस आर्च वगैरह की जो पीओपी है वो और पेंट वो पड़ा था 98,400 का पेंट के समय। पेंट की तकरीबन 8-9 बाल्टियाँ थी, प्राइमर पेंट पीओपी वगैरह सारा जो सिस्टम है वो पड़ा था 98,400 का। और जो बाहर मैंने कुल दिखाया था आपको जो चौकी सी बना रखी थी वो उसका अलग हमने निकाला था, उसका है 47,700 रुपये। उसमें 2 कुंड हैं, एक जो जो कनेक्शन का नहर का पानी जो आता है कनेक्शन का वो अलग है, और जो बारिश वाला पानी का अलग है। उसमें जो 2 घोड़ हैं और उसके बाहर चारों तरफ है जो चौकी हमने बना रखी है। तो ये सारा खर्चा मिला के तकरीबन 34,00,000 रुपये होते हैं, 33.5-34 ऐसे कुछ होते हैं, कन्फर्म मेरे को ध्यान नहीं है, 34 लाख के तकरीबन ही होते हैं। तो इतने में सारा जो सारी चीज़ें हैं, लोहे की जगह लोहा, ईंट, सब कुछ एक नंबर का लगा हुआ है सब कुछ। इसमें भी हम बचा सकते हैं कुछ, बचा सकते थे
जैसे जो नीचे जो छज्जा है वो मतलब कंटिन्यूस न दे करके अलग अलग खिड़कियों पे देते तो कुछ बच सकते थे। हाइट हमने बहुत ज़्यादा ले ली, बहुत ही ज़्यादा ले ली, मतलब 11 फुट नीचे जो पहिया है जो वो 8-9 फुट ठीक था, बाकी और भी कुछ बता सकते थे, लेकिन अब जो हो गया वो ठीक है। 34 लाख में पूरा तैयार हो चुका है, अंदर अंदर पेंट हो चुका है, प्लास्टिक पेंट, और बाहर की साइड पुट्टी और पेंट बाकी है। तो उसके और माना 50-60 हज़ार रुपये, और उसके और तो 35 लाख माना। 35 लाख में पूरा मकान प्लस चारों तरफ चार दीवारी सारा कंप्लीट हो गया। तो पिछले वीडियो पे आपने जो हाउस टूर मैंने करवाया था बहुत प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग डालेंगे जब टाइम मिलेगा या जब कोई अच्छी चीज़ आएगी तो।